एसएससी पोस्ट लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और आज भारत बंद है, गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, तमाम जगह हंगामा हो रहा है और सड़क जाम कर दिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दरअसल जो जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी को अंडरवर्ल्ड से फोन आया था और अंडरवर्ल्ड से फोन का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि सत्ता पक्ष के एक और विधायक को फोन आ गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर ये है कि सत्ता पक्ष के विधायक को एक और विधायक को फोन आया है। दरअसल एक महिला विधायक है नरकटियागंज से, जो है बीजेपी की विधायक रश्मि वर्मा, उनको फोन किया गया है और 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है और नहीं देने पर अंजाम भुगतने को कहा गया है। दरअसल रश्मि वर्मा को अंडरवर्ल्ड का फोन तो नहीं आया है पर अपराधियों का फोन आया है और नीतीश सरकार में लगातार जो है विधायक और एमएलसी जो है अब निशाने पर आ रहे हैं। तो विधायक जो है रश्मि वर्मा बीजेपी की, उनको 20 लाख रुपए उनसे फोन पर रंगदारी मांगी गई है अपराधियों से और कहा गया है कि नहीं देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और इस सिलसिले में उनके बारे में बताया जा रहा है कि सुबह सोमवार की सुबह ये फोन किया गया उनको और फोन करने वाले ने गाली गलौज करते हुए कहा कि 20 लाख रुपए की रंगदारी दो। उसने अपना नाम मुन्ना यादव बताया है। दरअसल फोन करने वाले ने, जो अपराधी है जिस शख्स ने विधायक से रंगदारी मांगी है, उसका नाम मुन्ना यादव है और बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने रंगदारी मांगी थी ठीक उसी तरह की आज भी फोन रंगदारी मांगने की आवाज थी। दरअसल रश्मि वर्मा से इसके पहले भी जो है रंगदारी मांगी गई थी, ये दोबारा रंगदारी मांगी गई है और बताया ये जा रहा है कि जिस शख्स ने रंगदारी मांगी है कुछ वही आवाज उस शख्स की भी थी जो पहले रंगदारी मांगी गई थी। यानी मामला गड़बड़ है, जो अपराधी है वो बार बार रश्मि वर्मा जो विधायक है नरकटियागंज की बीजेपी की, उनसे रंगदारी मांग रहे हैं और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। 22 नवंबर को 25 लाख रुपए की रंगदारी फोन पर मांगी गई थी पिछली बार 22 नवंबर को, और एक बार फिर जो है रश्मि वर्मा से फोन पर रंगदारी मांगी गई है। और इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने रंगदारी मामले में महेशपुर गांव में छापेमारी कर मुन्ना खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जो पिछली बार जो मामला आया था तो उस मामले में मुन्ना खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था। मुन्ना के पास से रंगदारी मांगने में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद हुआ था। हालांकि मुन्ना की आवाज रंगदारी मांगने वाले की आवाज से मेल नहीं खा रही थी। तो ये जो दरअसल पिछली बार का मामला था, मुन्ना खान को उस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था और जेल भी भेजा गया था, पर उसके बाद एक बार फिर बीजेपी विधायक से रंगदारी की मांग कर दी गई है। दहशत में है बीजेपी विधायक। इस बीच जो जिले के एसपी हैं नरकटियागंज के एसपी, उन्होंने बताया है कि पुष्टि करते हुए इस मामले की कहा है कि मामले को जो संबंध में विधायक की शिकायत पर शिकारपुर थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो लगातार मुश्किलों में फंस रही है सरकार। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं लगातार बीजेपी की सरकार पर, एनडीए की सरकार पर, नीतीश कुमार की सरकार पर, और अब जो है बीजेपी की विधायक खुद फंस गई है मुश्किलों में। लगातार मुश्किलें आ रही है सामने। कल जिस तरह से जेडीयू विधायक का मामला गर्म था, उनके पास कई फोन आए थे अंडरवर्ल्ड से, उन्होंने कहा कि फोन किया जा रहा है, छोटा शकील के भाई ने फोन किया है, तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे। उस मामले की जांच की जा रही है, साइबर सेल सक्रिय है। इस बीच अब जो है रश्मि वर्मा जो है बीजेपी की विधायक, वो भी मुश्किल में पड़ गई है। दरअसल ये सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि विधायकों से रंगदारी मांगी जा रही है और धमकी दी जा रही है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।